और हमने कश्मीरी डे सेलिब्रेट किया है। और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके लेके आओ ना कैमरे को। आप सबको कश्मीर डे, ये बहुत ही अच्छा दिन है, दुआ करें कश्मीर आज़ाद हो जाए और हम सब भी मिलके दुआ करते हैं। अब मैं आगे वीडियो में आप मज़ीद इससे रिलेटेड जो हमने सेलिब्रेशन की हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो हमने हैंड पेंट भी किया है थोड़ा सा, ठीक है, कुछ ड्राइंग्स बनाई गई हैं और इसके अलावा कश्मीर डे के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से पूरी वीडियो को वॉच करना है, फोकस करो कि नहीं बाओ इसके फेस पे फोकस करो जी। तो ये हमारा जो है ना कश्मीर डे सेलिब्रेशन है। बान तुम भी कुछ बोलना चाहते हो, बोल दो ना गाइस, पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है, ओके चले। और मेरे डियर व्यूवर्स, तो मैं आज आपको कश्मीर डे के हवाले से कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी। जून एलिया के कुछ कोर्स हैं। कश्मीर का नाम भी अजीब है, ये नाम शाहिद शाहिद आलम गैब खुदाबंदी ने रखा होगा, मगर हम इसको गलत अदा करते हैं। हम कश्मीर के काफ को ज़बर के साथ अदा करते चले आए हैं, जबकि इसके काफ को पेश के साथ पढ़ना चाहिए और अदा करना चाहिए, यानी कश्मीर यानी मार डाल या मर जा। तो कश्मीर का मतलब ये है कि या आपने जान दे या जान ले, ठीक है, किसी को, यानी ये लफ्ज़ बहादुरी हिम्मत दिलेरी को निशानदेही करता है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दोस्तों हम सब मिलके दुआ करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, कश्मीर को आज़ादी मिले। कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। जलती हुई जन्नत के नाम। जजा के रोज से पहले जजा का क्या करे कोई, खुदा की एक बेमकसद सजा का क्या करे कोई। बसारत बुझ गई हो तो जया का क्या करे कोई, रुकी हो सांस तो बादे सबा का क्या करे कोई। बिसी बल खाती पगडंडी पे बारूदी सुरंगे हैं, पहाड़ों पर किसी के नक्शे पा का क्या करे कोई। जहाँ से फाख्ता के पर लहू का दुख पहन आए, किसी ऐसे मकाम पर फजा का क्या करे कोई। जहाँ के जाफरा जारों से बू बारूद की आए, भला इस वादिय जन्नत नुमा का क्या करे कोई। जहाँ दीवार की तकदीर छलती गोलियों से हो, महकती छाओं की ऐसी जगह का क्या करे कोई। जहाँ सूरज निकलने से भी तारीकी नहीं जाती, बदावा रात की इस इंतहा का क्या करे कोई। जो अपने सब फराइज से मुअत्तल हो के बैठा हो, खुदा है वो तो फिर ऐसे खुदा का क्या करे कोई। किताब इश्क का इसरार दीवाचे वफा, लेकिन वफा ना आशना है वो वफा का क्या करे कोई। आमिर इम्तियाज़ आमिर कहते हैं, कश्मीर की आवाज़। जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, मैं पूछता हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। तारिक अयूबी और कासिम को याद करो, हमसे क्यों भुलाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। आगे बढ़ो साथ दो सरफरोशों का, जाओ वहाँ जगाई जहाँ लगाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। हम क्यों नहीं सुन पा रहे आमिर ये जो आ रही है कश्मीर की आवाज़। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आँख में पैरों में है जंजीर। देखा है ज़माने ने तेरे जब्त का आलम, पैवस तेरे जिस्म में है जहर बुझे तेरे। कुदरत ने चुनारों से क्या तुझको मज़ैन किया, तुझको मज़ैन। गाजिब ने बनाया तुझे बारूद की जागीर, ऐ दस्त सितमगर ये तुझे बताए कौन, ये तुझे कौन बताए। मुश्किल है बहुत सीना बेताब की तस्खीर, बढ़ जाए जहाँ जुल्म सितम हद से ज़्यादा, आता है वहाँ अर्श से परवाना तहरीर। वो कहते हैं कश्मीर को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर उधर तो है हमारे लिए बेताब, हम लोग तेरे वास्ते हर जगह हैं दिलगीर। ऐ दुनिया के मुनसफो सलामती के जामनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू का शोर सुनो। दुआ है कि रहे हमेशा सरसब्ज ये चमन, गुलो लाला से मुजयन रहे इसके कोहो दामन।
खुदा करे कि नजरे बद से बचा रहे ये, रहे कायम हमेशा इसमें फ़ज़ाए अमन। अलम अकबाल फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, वो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। पंजाए जुल्मो जहालत ने बुरा हाल किया, बन के मकराज हमें बेपरो बाल किया, बेपरो बेबाल किया। तोड़ इस दस्ते सितम कैश को यारब जिसने, रूहे आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। पूरी बात और पूरा किस्सा कौन लिखेगा, कितना मुश्किल था ये रास्ता कौन लिखेगा। दिनों रात के आधे आधे बंटवारे में, कितना कम था किसका हिस्सा कौन लिखेगा। जवान है अज़्म तो फिर जुल्म की बर्बादी बाकी है, अंधेरी रात है अब तक अभी आज़ादी बाकी है। ये स्पेशल कश्मीर के लिए था। तुका इंसाफ की सजती है अब तक शहर हाकिम में, बिके मुनसफ बिला उनवा अभी आज़ादी बाकी है। जिसे जमहूरियत कहते हैं वो दर से खुदी भी है, ये क्या समझे सियासतदान अभी आज़ादी बाकी है। ये आज़ादी की बातें और ये शोरश ग़ुलामी का, महल फिर हो रहे हैं लर्जां अभी आज़ादी बाकी है। सुनो हाजर सदाएं आ रही हैं दूर वादी से, उठा है एक तूफ़ान अभी आज़ादी बाकी है। ये स्पेशल कश्मीर के लिए है आज़ादी। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, ये दाग दाग उजाला ये शबे गुज़ेदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। दोस्तों आज हमारे कश्मीरी बहन और भाई गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन आज इस तरक्की के और अमन के दौर में जब कोई शहर, जब कोई कश्मीरी मुसलमान नाजायज़ नुक्ते अजल का शिकार है, तो क्यों कोई बाअसर वसूख आवाज़ नहीं उठाई जाती। मासवाई कश्मीरियों के पुख्ता इरादों और जज्बों के, कश्मीर की सरहद पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाती है, जिससे ये साबित कराया जाता है कि पाकिस्तान की आवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। 1997 में काजी हुसैन अहमद ने 4.5 अपने जमात के 4.5 मिलियन मेम्बर इनके साथ मिलकर मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया और कश्मीर के खिलाफ बहावत करने वाले भारत के खिलाफ पुरजोर मजम्मत की। इस बात में कोई दुराई नहीं है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कई जंगें लड़ी जा चुकी हैं, मुहिमें चलाई गई हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले कश्मीर को लेकर मुआहदे भी तय पाए हैं, लेकिन इंडिया की चालाकी और बेईमानी हमेशा कश्मीरी मुसलमानों के हकूक को दबाती रही है। कश्मीरी अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से गुजारने के लिए तरसते हैं, इवन कि वो अपने हकूक जो है उसको भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन बेखौफ न डर अपने हकूक के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान भाई भी उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। आखिर में कुछ शेर कश्मीर के नाम, तुका इंसाफ की सजती है अब तक शहर हाकिम में, बिके मुनसिफ बला उनवा अभी आज़ादी बाकी है। जिसे जमहूरियत कहते हैं वो दर से खुदी भी है, ये क्या समझे सियासतदान कि अभी आज़ादी बाकी है। ये आज़ादी की बातें ये शोरश ग़ुलामी का, महल फिर हो रहे हैं लर्जा अभी आज़ादी बाकी है। सुनो आज़र सदाएं आ रही हैं दूर वादी से, था एक नया तूफ़ान अभी आज़ादी बाकी है। जी माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों को आई थिंक सो ये पोएट्री बहुत अच्छी लगी होगी। ये सब कश्मीर के हवाले से मैंने कुछ अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं। तो कश्मीर डे है 5 फरवरी योम कश्मीर, ये 2022 यानी 5/2/2022, और ये इस दिन हफ्ते का दिन है, और आप सब भी इसको बहुत अच्छी तरह से मनाएं, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखें, तो और उनके लिए दुआ करें उस मुल्क के लिए कि अल्लाह उनको हिंदुओं की गुलामी से निजात दे और उनको एक आज़ाद मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के नक्शे पर उभारे। और हम सब भी दुआ करते हैं और हर जगह पर ये जो दिन बहुत जोश शोर से मनाया जाता है अपने अपनी कश्मीरी भाइयों को सपोर्ट्स पेश करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा मेरी वीडियो इस तरह से देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, खुश रहें।
और अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।